हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 2019 का है क्वेश्चन पेपर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले कुछ इंस्ट्रक्शन, इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि कैरी करता है 1 मार्क्स। आप अगर सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत करते हैं तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सिर्फ 1 मार्क्स डिडक्ट होगा एग्रीगेट मार्क्स से, ठीक है। और आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। इसमें से मैं सिर्फ टच करूँगा सिर्फ जीके रीजनिंग, ठीक है। और आपको इसमें करना होगा सब्जेक्ट आप खुद से कीजिए, क्योंकि मैं फिजिक्स का नहीं हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर? तो इसका है ऑप्शन बी ओ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फोग? इसका ऑप्शन है ए, लिक्विड पार्टिकल्स आर डिसअपियर्ड इन गैस। ए ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज? तो इसका ऑप्शन है डी, 750। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन होगा सी, 18। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द यारलुंग जांगबो रिवर इज इन इंडिया इज नोन एज द? तो ये है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉयज हु आर एथलीट एंड आर डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाई विच नंबर? तो इसका है ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच इज़ द नेम ऑफ द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया? तो इसका है ऑप्शन ए, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि यह है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 10,000 बिकम 20,736 इन 2 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन वाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसको खुद सॉल्व करना होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, 40%। अब अल्फाबेट रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ बैटमैन इज कोडेड एज 123416 एंड परमैन इज कोडेड एज 987416, देन तापर इज कोडेड एज, तो इसका होगा ऑप्शन डी, 32978। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बी को कोडिंग दिया है 1, ए को कोडिंग दिया है 2, वैसे करके आपको यहाँ पे देखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकेंड, वाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन? तो इसका ऑप्शन है डी, 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हु इज़ ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो इसका है ऑप्शन सी, समुद्रा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डैश इज़ द ओनली इंडियन स्टेट विच शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ बोथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश एंड म्यांमार कहाँ है? ये नॉर्थ ईस्ट साइड में है, तो इसको टच करता है सी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन विच ईयर वाज द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? तो ये है ऑप्शन ए, 1935। 1935 को ये एस्टैब्लिश हुआ था और 1949 को ये नेशनलाइज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द माइटेस्ट रिवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच फ्लो इनटू आसाम इज? तो इसका ऑप्शन है बी, लोहित। ऑप्शन सिक्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? तो इसका है बी, कवारत्ती। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हु एमोंग द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो इसका ऑप्शन है बी, डॉक्टर दाइंग एरिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द सोलर ऑब्जर्वेटरी
इन राजस्थान इज लोकेटेड एट, तो इसका है ऑप्शन सी उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर विंड स्पीड, तो इसका ऑप्शन है एनेमोमीटर ए। ऑप्शन 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, तो इसका ऑप्शन है बी ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2018 सर्वे, तो इसका ऑप्शन है ए तवांग। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली इशूड न्यू ब्लैक होल कॉमेमोरेटिव कॉइन टू सेलिब्रेट द लाइफ एंड ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट हॉकिंग हु पास्ड अवे इन 2018, तो इसका ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इफ़ ऑल द वोवेल्स आर रिमूव फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट देन वाट विल एट द 15 प्लेस इन द न्यू अल्फ़ाबेट सीरीज, अगर अल्फ़ाबेट कितना होता है 26 होता है, तो उसमें हम AEIOU को हम हटा देंगे, तो उसके बाद इसको वोवेल्स को हटा देंगे तो 15 नंबर पे कौन सा आता है उसको हमको देखना है, तो आप कीजिएगा तो इसका ऑप्शन आएगा CS, ऐसा आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सर सीवी रमन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना ऑफ रेडिएशन, तो इसका है ऑप्शन ए स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका है ऑप्शन डी 21 जून। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ए बोट कवर 23 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, वाइल इट कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6.5 आवर्स, द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज, तो इसका ऑप्शन है सी 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये 25 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद सब सब्जेक्ट कॉन्सेंस से आएगा, जैसे फिजिक्स के हैं आप तो फिजिक्स से आएगा ये सब क्वेश्चन, तो इसको आप खुद से सॉल्व करना है पोज करके। मैं इसीलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिजिक्स स्ट्रीम से नहीं हूँ, सो इसीलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पोज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करके भेजें तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अरेंज करवा दूंगा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। RGU एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे ध्यान देने वाला चीज़ है रीजनिंग, अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग, उसके बाद GK क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन को देखने से होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 100 तक। That's all for this video. If you like, then subscribe and share with your friends. And that's all. Thank you.